आ चुका है। एक सेकंड दिखाता हूँ गाइस समय। समय निकल जा। कुछ भी इसके अंदर है बेस्ट स्मार्टफोन्स। जल्दी से इसमें से फोन को निकाल लेते हैं। इसको साइड हटाओ। आज मैं आपको पांच बेस्ट स्मार्टफोन्स बताने वाला हूँ अंडर 35,000 रुपीस में। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस कैटेगरी में ना बहुत कंफ्यूजन है भाई। क्या बोला रिसेंट टाइम में अंडर 35,000 रुपीस में कुछ ऐसे मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स आए हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ये लो ये लो ये लो ये लो, और आपको प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, इस चीज को क्लियर मैं ना करूं ऐसा हो सकता है क्या? नहीं आप ही बताओ ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? मैं कौन सा फोन कैमरे के लिए, कौन सा परफॉर्मेंस के लिए, कौन सा ऑलराउंडर है, कौन सा फोन किन यूजर्स के लिए है, नंबर वन स्मार्टफोन कौन सा है, सब बताऊंगा अभी। ओके, सबसे पहले फोन की बात करते हैं। जो नंबर 5 पे आता है मेरी नजर में वो है रियलमी की तरफ से। ये फोन ना एक्चुअली में अपनी जगह पे बेस्ट है, मतलब ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलते हैं इसमें। मैं बात करूँ रिसेंटली लॉन्च हुए रियलमी 11 प्रो प्लस 5G। पहले मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ। इसमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं 120Hz 200 मेगापिक्सल OIS कैमरा मिलता है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, 5000 mAh की एक बिग बैटरी है, 100 वॉट का सुपरवुक फास्ट चार्जर है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर मिलता है। इस फोन को बाय कर सकते हैं आप 27999 में। और अगर मैं इस फोन के प्लस पॉइंट की बात करता हूं तो इसमें भाई साहब जो आपको डिस्प्ले क्वालिटी दे रखा है ब्यूटीफुल, इस फोन का जो डिजाइन है लुक है वो इस प्राइस पॉइंट पे स्टैंड आउट करता है। और इसमें जो 200 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है काफी बढ़िया फोटोज लेता है, तो जिनकी डिमांड कैमरा है उनको ये फोन पसंद आ सकता है। बाकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी, आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है, गेमिंग कर सकते हो, जो बैटरी है वो भी बड़ी है, जो चार्जर है वो बहुत ही फास्ट है। और अगर मैं एक नेगेटिव चीज की बात करूं तो एक ही चीज है भाई जो मुझे इस फोन में बुरी लगती है, वो है यूजर एक्सपीरियंस। आपको इसमें बहुत सारे ब्लॉटवेयर मिल जाते हैं, प्री इंस्टॉल एप्स मिल जाते हैं, और साथ में आपको UI में एड्स भी देखने को मिलते हैं। इसको अगर हम साइड में रखते हैं जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आ रहा है 27999, डेफिनेटली कहूंगा एक बढ़िया यूनिक दिखने वाला फोन है। ये वाला फोन एक्चुअली में उन लोगों के लिए जिनकी प्रायोरिटी एक डिजाइन है और साथ में हल्का सा कैमरा प्रायोरिटी है, उन लोगों के लिए एक्चुअली में ये फोन बना है। नंबर 4 पे जो फोन आता है समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अंडर 35,000 रुपीस में वीवो का एक फोन है, वीवो V27 Pro। और ये एक इकलौता फोन है जो यार पिछले कुछ महीनों में मुझे कुछ लोगों के पास देखने को मिला। ब्यूटीफुल फोन है। इसमें आपको 6.78 इंच की एक फुल HD प्लस कर्व एमोलेड 120Hz डिस्प्ले मिलती है, 50 मेगापिक्सल OIS ट्रिपल कैमरा है, 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 4600 mAh की बैटरी है, 66 वॉट का फास्ट चार्जर है, 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर है। और अगर मैं इसके प्लस पॉइंट की बात करूं, सबसे पहले इसका डिजाइन ब्यूटीफुल डिजाइन है, डिस्प्ले ब्यूटीफुल कर्व डिस्प्ले है, सबसे बड़ी बात इसका जो कैमरा है चाहे वो फ्रंट हो या फिर सेल्फी, कैमरे के मामले में ये फोन एक्चुअली में बहुत ही अच्छा है। एक दो चीजें जो मुझे लगता था होनी चाहिए थी, सबसे पहला तो भाई इसमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, और हाँ फोन में थोड़े से ब्लॉटवेयर आपको मिल जाते हैं। सीधे सीधे बोलूं तो जिनको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए वीवो का वो चेकआउट कर सकते हैं इस फोन को। ओके, नंबर 3 पे आता है अंडर 35,000 रुपीस में सैमसंग का एक फोन है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। फोन का नाम है सैमसंग S21 फैन एडिशन 5G। यूजली ये फोन आपको 39,999 रुपीस मिल जाएगा, मतलब कई बार ये ऑफर डिस्काउंट बस सेल्स में ये फोन आपको अंडर 30,000 रुपीस में भी मिलता है भाई, क्योंकि फीचर्स बहुत ही सही है। 6.4 इंच की डायनेमिक 2X AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 12+12+8 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिलता है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, 4500 mAh की बैटरी मिलती है, IP68 है। प्लस पॉइंट की बात करता हूं तो इसमें जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी है, सैमसंग का डिस्प्ले है, सैमसंग की क्वालिटी, फ्लैगशिप ग्रेड का कैमरा है, परफॉर्मेंस इसकी वो भी अच्छी है, की बैटरी अच्छी है। एंड दो सबसे बड़े प्लस पॉइंट्स में वन UI है, एकदम क्लीन UI मेरी बिल्कुल दाढ़ी की तरह। और एक और चीज जो इसमें बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वो है IP68, मतलब ऑलमोस्ट आपको सैमसंग का फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलता है। बस एक ही चीज है यार, चार्जर नहीं मिलता बॉक्स में। सिंपल बोलूं तो ये फोन उन लोगों के लिए जिनको एक सैमसंग का फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए लेकिन एक मिड रेंज प्राइस पे। दूसरे नंबर पे कौन आता है, गेस करो। इस नंबर पे मैं दो फोन को रखना चाहूंगा। पहला जो फोन है वो है मोटोरोला की तरफ से, फोन का नाम है मोटोरोला H40। ओह माय गॉड, और ऐसा भाई हो नहीं सकता अंडर 35,000 रुपीस में इस फोन को जगह ना मिले। इसमें आपको 6.55 इंच की एक ब्यूटीफुल कर्व डिस्प्ले मिलती है 120Hz, 50+13 मेगापिक्सल OIS कैमरा है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर है, 4400 mAh की बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जर है, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज है। इस फोन में कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब कुछ प्लस पॉइंट है जो इस प्राइस पॉइंट पे स्टैंड आउट करती है और कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा अलग बनाती है इस फोन को। सबसे पहला है वीगन लेदर डिजाइन, बहुत ही प्रीमियम फील होता है, 144Hz की POLED डिस्प्ले है, एंड सबसे बड़ी चीज IP68 है, और अंडर 30,000 रुपीस में ये एक लौता फोन है जो आपको IP68 दे रहा है। और जनरली अगर मैं इसमें कोई कमी की बात करूं तो हाँ मुझे जो इसका कैमरा है ऐसा लगा कि थोड़ा सा कैमरा बेटर हो सकता है, अदरवाइज जो ओवरऑल फोन है भाई नंबर 2 पे रखा हुआ है एंड ये डिजर्व करता है भाई। दूसरा जो फोन है वो है OnePlus की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ फोन OnePlus Nord 3 5G। इस फोन को मैंने अनबॉक्सिंग की थी
टेस्ट किया था इस फोन को, और जितना भी मैंने टेस्ट किया उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एक्चुअली में ये फोन जिस प्राइस पॉइंट पे आता है एक काफी बढ़िया सॉलिड वन प्लस फोन बन जाता है। मतलब 30-35 हज़ार के आसपास अगर आपको एक वन प्लस का फोन देख रहे हो, वन प्लस का फोन आपको चाहिए, आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर वन की। जो नंबर वन पे ब्रांड आता है वो है आईकू, और वो फोन है ये आईकू नियो 7 प्रो 5G। क्या फोन है भाई साहब। फीचर्स सुनो, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 मिलती है, इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप मिलती है, स्मार्ट 3D कूलिंग सिस्टम है, 120 हर्ट्ज 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले है, 50 मेगापिक्सल OIS ट्रिपल कैमरा है। फोन की जो एक्चुअल प्राइस है वो 34,999 है, लेकिन कार्ड वार्ड लगा के ऑफर लगा के ये फोन आपको 31,999 रुपए में मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट में भाई ये जो स्मार्टफोन है आपको एक वैल्यू फॉर मनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस फोन में ऑलमोस्ट सब कुछ है, परफॉर्मेंस है, कैमरा है, डिजाइन है, डिस्प्ले है, बैटरी है, फास्ट चार्जर है, गेमिंग फीचर्स है। तो ऐसा लगता है जितने भी फीचर्स चाहिए होते हैं ना यूजर को, वो सब लाके आईकू ने फोन में डाल दिया। फोन में आपको ब्लॉटवेयर वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा इस फोन को अगर हम देखते हैं जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आ रहा है, डेफिनेटली डिजर्व करता भाई नंबर वन पोजीशन में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके जरूर जाना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इनमें से आप कौन सा बाय कर रहे हो, कौन सा आपको बेस्ट लगा, और कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ऑलरेडी अगर आप फोन यूज कर रहे हो इनमें से कोई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना भाई, मैं भी जानू। बाकी वीडियो को फैला देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।